नए स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, मैचिंग एंड मिररिंग। बहुत पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करते, हमें कुछ पता नहीं चलता स्कूल में क्या हो रहा है, या घर आते हैं उदास होते हैं, वो कुछ माँ बाप को बताते नहीं हैं। एक स्किल जो काम कर सकता है वो है मैचिंग एंड मिररिंग। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करूँगी। एक लड़की अब घर आती है, पापा देखो मेरे कितने अच्छे मार्क्स, आई गॉट 92%। और फादर करे, हाँ बहुत अच्छे हैं बेटा, अगली बारी और अच्छा करना। नाउ सडनली बच्चे की स्पेस नीचे चली जाती है और इसी में फादर रिएक्ट करे, वाओ वेरी गुड, क्या मार्क्स आए हैं, वंडरफुल, अगली बारी भी अच्छा करना। बट बच्चे को इधर दोनों बातों में कनेक्टेड फील होता है, शब्द वही थे लेकिन एनर्जी डिफरेंट होने के कारण बच्चे पे जो लैंड कर रहा है वो बिल्कुल अलग लैंड कर रहा है। तो इस स्किल को कहते हैं मैचिंग एंड मिररिंग, यानी कि आईने की तरह जो बच्चे का बॉडी लैंग्वेज है वैसे ही अब अपना बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं। अब इसको करना कैसे है, चार चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपकी एनर्जी, आप बिल्कुल थके हुए हैं, ऑफिस से आए हैं, बच्चा कह रहे पापा खेलो ना, और आप कहें अच्छा बेटा अभी खेलता हूँ, यहीं पर बच्चा मुड़ेगा और कहीं और चला जाएगा। इसमें मैचिंग चाहिए, एनर्जी मैचिंग, हाँ बेटा अभी खेलता हूँ बट मुझे अभी आधा घंटा रुक जाओ तुम, ये हो गया एनर्जी मैचिंग। पॉस्चर मैचिंग, बच्चा स्कूल से आया है झुके हुए कंधे हैं, आप एकदम है कि फटाफट खाना खाए, एनर्जी मैच नहीं कर रही है, पॉस्चर भी मैच नहीं कर रहा है, बच्चे के कंधे झुके हुए हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपनी पॉस्चर को बच्चे के पॉस्चर से मैच करके फिर उससे बात शुरू करिए। तीसरा पॉइंट है टोन, यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड टोन दोनों का ध्यान रखना है। बच्चा बोल रहा है हेलो मम्मी कैसे हो, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, क्या बात है, क्या हुआ स्कूल में, ये हो गया मैचिंग। दूसरा है स्पीड, आपकी स्पीड बोलने की कैसी है, बच्चा बोल रहा है मम्मी चलो ना मैं चलो मार्केट चलो, और आप कह रहे हो नहीं बेटा आज नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, आपको भी उसी स्पीड में जवाब देना है। ये चार चीज़ों को आप जब ध्यान रखते हैं और ये प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहली बात बच्चे के साथ रेपो बनता है, दूसरी बात आप देखेंगे कि बच्चों की शेयरिंग बढ़ जाती है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चों को अंदर से महसूस होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें समझ पा रहे हैं। ये स्किल सुनने से ज़्यादा करने में मज़ा आता है, करिए और रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कीजिए। सोच नहीं समझ बढ़ाइए।